हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज फैशन यू चेतना। और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेकअप रिमूवर, प्राइमर, टोनर, ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि जो भी लोग नए नए मेकअप करना स्टार्ट करते हैं या करने वाले हैं, तो उन लोगों को बहुत सारा डाउट होता है कि प्राइमर, टोनर, ये सब चीज़ें क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि दीदी आप ऐसा वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो है बनाया है ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके कि प्राइमर, टोनर, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो मैंने लिपस्टिक वेयर करी है वो है नायका पाउड परफेक्ट की कॉल मी रेड 06 डार्लिंग वाली लिपस्टिक है। और इयररिंग्स जो मैंने पहन रखे हैं वो क्लब फैक्ट्री के हैं। आप मेरा क्लब फैक्ट्री हॉल देख सकते हो, क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि वीडियो को जब लोग विजिट करते हैं तो पूछते हैं दीदी आपने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, इयररिंग्स कौन से पहने हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए गाइस, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए कि मैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ जिनको आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ वो है ये बायोटिक का सीरम। यू नो, आप जब मेकअप करना स्टार्ट करते हो या मेकअप ना भी कर रहे हो, आप कॉलेज गर्ल हो या आप ऑफिस जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, इवन आप घर पे भी रहते हो, तो सीरम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यू नो, सीरम क्या होता है? सीरम जो होता है वो एक पतला लिक्विड होता है जो कि मॉइस्चराइजर, इन सब के मॉलिक्यूल से ही बना होता है। यू नो, मॉइस्चराइजर जो होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, एंड अगर हम सीरम से पहले भी या बाद में भी कुछ भी चीज़ लगा रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारी स्किन को हार्मफुल या इफेक्ट ना दे, इसलिए हम जो है सीरम यूज करते हैं। ये बहुत ही पतला लिक्विड होता है जो हमारी स्किन को हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए सीरम जो है, हम चाहे मेकअप करें चाहे नहीं करें, कहीं जाएं चाहे नहीं जाएं, चाहे घर में रहें, तो भी हमें सीरम जो है हमेशा अप्लाई करना चाहिए। मैं यहाँ पे यूज करती हूँ बायोटिक का ये एडवांस आयुर्वेदा सीरम। आप चाहे तो मार्केट के कोई से भी सीरम जो है वो यूज कर सकते हो, लेकिन सीरम जो होता है वो सबसे पहले स्किन में अप्लाई किया जाता है फेस वॉश करने के बाद में। ये बहुत ही अच्छा स्टेप होता है, आप सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं बायोटिक का सीरम यूज करती हूँ, आप लोगों को जो भी पसंद हो वो सीरम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर जो होता है हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, और मॉइस्चराइजर जो होता है हमारी स्किन को एक नरिशमेंट देता है, हमारी स्किन को एक अच्छा बनाए रखने के लिए हमें मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ प्लम का ये ग्रीन टी मैटिफाइड मॉइस्चराइजर। आपको जो भी पसंद हो वो मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हो। आप ऑफिस जाते हो, घर में रहते हो या मेकअप करते हो, ये पार्ट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमें मॉइस्चराइजर भी जो है हमेशा अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है प्राइमर। प्राइमर जो है बेसिकली जब हम मेकअप करते हैं तभी हमें अप्लाई करना चाहिए। आप घर में रहते हो, ऑफिस जा रहे हो और मेकअप कर रहे हो तो आपको प्राइमर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप कोई मेकअप, किसी भी तरह का मेकअप नहीं कर रहे हो तो आपको प्राइमर जो है वो नहीं यूज करना चाहिए। प्राइमर हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली जब हम मेकअप करते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब मेकअप करते हैं तो फाउंडेशन अनइवन लगता है, एक फ्लॉलेस इक्वल स्किन नहीं दिखती है, तो प्राइमर जो होता है वो हमारे पोर्स को अच्छे से क्लोज कर देता है, और फिर हम जब उस पर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो एकदम इवन दिखता है। इसलिए हम जो है प्राइमर यूज़ करते हैं। आपको प्राइमर जो है वो डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये हमारे स्किन के जो पोर्स होता है उनको क्लोज करता है। आपको प्राइमर जो है वो रोज़ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नो ये हमारी स्किन को पोर्स को क्लोज करता है, तो जो एक्सेस ऑयल होता है वो निकलना होता है वो नहीं निकल पाता है, तो फिर इस तरीके से हमारे स्किन में क्या होते हैं, पिंपल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें प्राइमर जो है वो रोज यूज नहीं करना चाहिए। जब हम मेकअप करें तभी हमें प्राइमर जो है वो यूज करना चाहिए, अदरवाइज इसके भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो जब आप मेकअप करो तब आपको प्राइमर यूज करना है, जब आप मेकअप नहीं करो तो नॉर्मल आपको जो है सीरम और मॉइस्चराइजर ही यूज करना है। मैं आपको प्राइमर में दो प्राइमर सजेस्ट करती हूँ, कलर बार और स्टे कुर्की का। ये अफोर्डेबल प्राइमर है, 250 के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये 700-800 का मिलता है। तो आप जो भी चाहो वो प्राइमर परचेस कर सकते हो, इनके अलावा भी आपको कोई प्राइमर पसंद हो तो। नेक्स्ट जो स्टेप आता है, अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आपको फाउंडेशन, बीबी क्रीम, जो भी आप चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। मैं पैक्ड फाउंडेशन आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो बहुत सारे फाउंडेशन अवेलेबल है, बीबी क्रीम अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आपको फाउंडेशन स्टेप यूज़ करना है, वो सभी को पता होता है, ठीक है।
नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आफ्टर मेकअप, आप जब आपका मेकअप खत्म हो जाता है, जहाँ पे भी पार्टी वार्टी में जाना होता है मेकअप फिनिश हो जाता है, उसके बाद में आपका जो स्टेप आता है वो है मेकअप रिमूवर। मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपका गार्नियर का मिसलर ऑयल इन्फ्यूज्ड क्लिंजिंग वाटर, ये बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है। लाइक ये हैवी मस्कारा हैवी ग्लिटर्स को अच्छे से रिमूव करता है, बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है ये। आई थिंक आपको 400 ml के अंदर आपको मिल जाता है, मैंने नायका से परचेज किया था, ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का जो है मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं, आप वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा पसंद करते हो। तो मेकअप रिमूवर जो है मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आपको मेकअप रिमूवर यूज करना है, अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हो तो आपको मेकअप रिमूवर यूज नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है टोनर। अब टोनर क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मेकअप कर रहे हो चाहे हम मेकअप नहीं कर रहे हो, तो भी कुछ डर्ट और एक्स्ट्रा जो केमिकल्स होते हैं जब हम मेकअप यूज करते हैं तो वो हमारी स्किन में मेकअप रिमूव करने के बाद भी रह जाते हैं, तो उन एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं टोनर। आप चाहें तो कोई सा भी टोनर यूज कर सकते हो, मैं हिमालय का टोनर यूज करती हूँ जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है, अंडर 80 रुपीज के अंदर मिल जाता है और ये मेरा फेवरेट, ये मेरी थर्ड बॉटल है, ये मेरा सबसे फेवरेट टोनर है। आप चाहे तो मार्केट का कोई भी टोनर जो है वो यूज़ कर सकते हो। मैं टोनर को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। सपोज आप बाहर जाके आए, ऑफिस जाके आए, आपने कोई मेकअप नहीं किया, लेकिन क्या होता है थोड़ी बहुत डर्ट जो होती है हमारी स्किन में लग जाती, उसको रिमूव करने के लिए हम जो है टोनर यूज करते हैं। आपको एक कॉटन पैड पे सिंपल थोड़ा सा टोनर लेना है और उसको जो है इस टाइप से स्किन में अप्लाई करना है, देन 5 मिनट तक रुकना है, उसके बाद में आपको फेस वॉश कर देना है। इससे क्या होता है एक्स्ट्रा गंदगी हमारी स्किन में रह जाती है वो रिमूव हो जाती है। अब बात आती है जब आप मेकअप कर रहे हो, जब आप मेकअप करे हुए हो, आपने मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप रिमूव कर दिया है, उसके बाद भी हमें टोनर यूज करना चाहिए। क्यों? मेकअप रिमूवर तो सारी मेकअप रिमूव कर देता है। अच्छा, मेकअप रिमूवर सारा मेकअप रिमूव कर देता है, बट जो एक्स्ट्रा कुछ भी मेकअप अगर हमारी स्किन में रह जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं टोनर। ये एकदम अच्छी तरीके से जो है हमारी मेकअप को रिमूव करता है, ताकि कुछ भी पार्टिकल जो है हमारी स्किन में नहीं रहे और मेकअप जो है अच्छे से रिमूव हो जाए, ताकि नेक्स्ट डे हमें पिंपल या ऐसी कोई भी दूसरी चीज हमें नहीं दिखे फेस पे। इसलिए सेफ साइड के लिए जो है हमें टोनर यूज करना चाहिए आफ्टर मेकअप रिमूवर। तो गाइज ये था प्राइमर, सॉरी ये था टोनर, आप कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेकअप सेटिंग स्प्रे। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था सेटिंग स्प्रे क्यों यूज करते हैं, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेकअप से रिलेटेड जो है वो मेकअप सेटिंग स्प्रे, जब आप मेकअप कर रहे हो तो ही आपको सेटिंग स्प्रे यूज करना चाहिए। मैं यहाँ पे फेसेस का मेकअप सेटिंग स्प्रे आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। ये जो मेकअप सेटिंग स्प्रे ये अंडर 600 का है, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगी तो आप देख सकते हैं, मैंने नायका से परचेस किया था। और ये मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है बेसिकली हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, बहुत देर तक मेकअप को टिके रहने के लिए जो है हम मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज करते हैं। तो ये पार्ट भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा पार्ट होता है। तो गाइस आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्राइमर टोनर मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है हम क्यों यूज करते हैं। सो गाइस ये था मेरा वीडियो, आप लोगों के जो भी डाउट थे प्राइमर टोनर और मेकअप रिमूवर मेकअप सेटिंग स्प्रे कैसे यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं, आई होप आपके सारे डाउट जो है आप क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले, और आप मुझे कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जीमेल पे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।